देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर में ये कह रहे हैं कि एक डाइस है ठीक है लूडो खेलते हो तो डाइस होता है उसको तुमने दो दफ़ा उछाला ठीक ये कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी बताओ कि पाँच नहीं आएगा किसी भी टाइम तो देखो अगर मैं बच्चों एक डाइस फेंकती हूँ तो हो सकता है वन आए दोबारा फेंका हो सकता है फिर से वन आए है, है कि नहीं ऐसा हो सकता है भाई पहली दफ़ा में वन आए अगली दफ़ा में टू आ जाए चांसेस हैं ऐसा भी हो सकता है पहली दफा में वन आए अगली दफा थ्री है तो देखो वैसे ही मैंने यहां पे पहले लिख के दे दिया ठीक ऐसा हो सकता है कि भाई पहली दफा में टू आए नेक्स्ट टाइम वन आ, आ जाए ये सारी पॉसिबिलिटीज है तो ये तुम्हारे जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो मैंने लिख दिए ठीक तो ये टोटल बच्चों काउंट करो जरा थर्टी सिक्स है इससे आगे पीछे और कोई नहीं होगा ठीक है तो यहाँ पे नंबर ऑफ ये टोटल आउटकम्स आर कितने है? 36 हैं टोटल आउटकम्स थर्टी सिक्स है ठीक चलो अब ये कह रहे हैं कि पाँच किसी भी टाइम ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी बता दो ठीक है तो फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पर कितने हो जाएंगे बच्चों कि पाँच किसी भी टाइम ना आए तो देखो मैं ये देखती हूँ इसमें नहीं आ रहा पाँच ना इसमें ना इसमें ना इसमें इधर आ रहा है है ना इसमें भी नहीं आ रहा तो यहाँ पे देखो वन टू थ्री फोर फाइव पांच दफा पाँच आ ही नहीं रहे फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन एक काम करो जिनमें आ रहा है उनको ऐसे करके डॉट बना दे तो तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी उनको अलग करना बाकी सबको काउंट कर लो इसमें भी फाइव आ रहा है इसमें भी फाइव है इसमें भी फाइव है इसमें भी फाइव है इसमें तो दो दफा फाइव है तो भाई ये भी नहीं काउंट करना इसमें भी फाइव है फिर इसमें फाइव है अब रेस्ट काउंट करो कितने बचे हैं हमारे पास अब इजी हो जाएगा ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवन टी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव तो फेवरेबल आउटकम जिसमें पाँच आ ही रहा तो भाई ये वो पच्चीस है ठीक अब ये कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी बताओ दैट फाइव विल नॉट कम अप तो लिख दो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फाइव विल नॉट कम ईद ठीक है इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों फॉर्मूला क्या होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स है कि नहीं ये है प्रोबेबिलिटी का ठीक है तो यहां पर बच्चों नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने दे आर और टोटल आउटकम कितने 36, तो दिस विल बी योर आंसर ठीक है आगे फर्दर तो देखो ये डिवाइड हो नहीं रहा है तो दिस विल बी द आंसर ठीक है ये थोड़ा तुम्हारा फर्स्ट पार्ट अब हम आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर ठीक है दिस वॉज योर फर्स्ट पार्ट ठीक चलो अब करते हैं सेकेंड पार्ट इसका ये कहना है पांच विल कम अप एट लीस्ट वंस एक दफ़ा तो पांच आए दो दफ़ा आए तो बहुत अच्छी बात है एक दफ़ा तो पांच को आना ही चाहिए ठीक तो चलो अब हम वो भी देखते हैं ठीक ठीक विल कम चलो पूरे ही कर देते हैं फाइव विल कम ईदर फाइव विल कम एट लीस्ट वंस है ना विल कम एट लीस्ट वंस मतलब एक दफा तो भाई पाँच आए दो दफ़ा आए तो बहुत ही बढ़िया तो देखो टोटल आउटकम्स तो वही रहेंगे अभी तुम क्या लिखोगे प्रॉबलिटी के फॉर्मूला क्या है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है कि नहीं ठीक है चलो अब जरा काउंट करते हैं यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स कितने कि पांच एक दफा है तो ठीक दो दफा है तो भी सही ठीक चलो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ग्यारह दफा पांच आ ही रहा है है कि नहीं तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी विन बी इलेवन अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं थर्टी सिक्स ठीक है सो दिस विल बी द आंसर ठीक है आसानी से समझ में आया दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ठीक अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव पर